SSP Global Jobs, the first job consultancy of Haryana. रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। रेवाड़ी की पंजाबी धर्मशाला में स्वामी धर्मदेव की उपस्थिति में पंजाबी समाज ने लक्ष्मण यादव का भव्य स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव को पंजाबी समाज ने भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन दिया। स्वामी धर्मदेव ने पंजाबियों के आजादी में योगदान के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रहित में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव को वोट देने के लिए कहा। गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत ने भी कहा कि पंजाबी समाज ने हमेशा मेरा साथ दिया है और यह उम्मीद करता हूं कि आप सब लक्ष्मण यादव का दिल से साथ देंगे, यह आप सबके साथी है। लक्ष्मण यादव ने कहा कि मैं पिछले 40 साल से रेवाड़ी में रह रहा हूं, मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? मेरे विरोधी कहते हैं कि पिछले 50 साल से रेवाड़ी में विकास नहीं हुआ, इसके जिम्मेवार भी तो वही है जिसकी 3 पीढ़ियां सत्ता में रही। पेश है रिपोर्ट। 2019 में पंजाबी समाज ने आपको समर्थन दिया था तो पूरा का पूरा पंजाबी समाज उठकर आपके पास गया था। बहुत सारी बातें कही गई कि ऐसा पहली बार हुआ है कि समाज जो उठकर है किसी नेता के पास गया हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने उस बात का मान आज तक रखा है। अगर पंजाबी समाज को कहीं पर जरूरत पड़ गया, पंजाबी समाज के सम्मान की बात हुई, आप एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण जी के लिए यही कहना चाहूंगी, बहुत ही सहज सरल है और जिनका हाथ पकड़ के भी हम काम करवा सकते हैं, तो ऐसा विधायक रेवाड़ी हमारी रेवाड़ी को मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर उपस्थित राजपाल जी, दिनेश राजपाल जी यहाँ पर हैं और मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी हमारे प्रधान सचिन मलिक जी को। वो एक धागे की तरह है, वो धागा करता है सारे मोतियों को इकट्ठा करके माला बना देता है, तो आज ये जो माला बनी दिखाई दे रही है वो सचिन भाई की वजह से बनी हुई है। मैं एक बार छोटा सा उनका भी स्वागत करता हूँ। और कुछ लोग तो यहाँ पर है, बाकी सब लोग बाहर है, वो कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा रही होगी कि अंदर आते, लेकिन बाहर की स्क्रीन से अपना काम चला रहे आज। और जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी संख्या में आप सभी ने आकर समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्रणाम करना चाहती हूँ। सम्मान के योग्य मनसा सिंह महामंडलेश्वर स्वामी रामदेव जी, जन जन की आवाज, बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार शख्सियत जिनकी 50 साल की राजनीति में कोई कलंक नहीं है, मेरे पिता पुण्य, मेरे महादर्शक राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे समाज के अंदर बहुत आदरणीय समाज सेवक दिनेश राजपाल जी, हमारे यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव जी, चेयरपर्सन पूनम यादव जी, भाई श्याम सुंदर जी, वाइस चेयरमैन पूनम सतीजा जी, पार्षद मनीष सराय जी, पूर्व पार्षद अशोक सतीजा जी, सभी पार्षदगण आए हुए, चेयर की सरकारी पूजे मान सकते। इस चुनाव जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव कई मायनों में बड़ा अलग चुनाव है और खासतौर पर पंजाबी समाज के लिए यह सोचने का विषय है कि हमें अपनी वोट कहां देनी है। अरे हमें को कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, हमें 2016 कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। जो त्रासदी 1947 में मेरे बहन वंदना पोपटी ने कहा कि वी आर वाइस हिंदुस्तानी, कि हमने अपने धर्म को चुना था, अगर हम भी अपना धर्म परिवर्तन करते तो हमें भी कोई जरूरत नहीं थी अपना सब घर त्याग त्याग के, हमने धर्म के प्रति अपना घर त्याग है, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग विपक्ष में रहकर 2016 में आपके साथ ये ऐतराज नहीं कर सकते, आज रोहतक का कांड, झज्जर का कांड या गलनौर का कांड हमारे लिए भूलने का विषय नहीं है। अगर आज हम अपने इतिहास को भूलते हैं तो हम अपने आगे वाले जनरेशन के लिए गलत करते हैं। ये सोचने का विषय है कि हमारी वोट कहां जानी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग, मैं इस मंच से कप्तान साहब को भी आगाह करना चाहूंगा और अवसर में आपको भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ लोग हमारे समाज के
दो चार ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ मलाई खाने की जिनको चेष्टा रही है। तो मैं कप्तान साहब से भी कहना चाहूंगा कि कप्तान साहब पहले 30 साल आपकी मलाई खाई थी और जब बीजेपी की सत्तासीन हुई थी तो सबसे पहले पटका पहना था और आज वो फिर भ्रम में वहां चले गए। कल बीजेपी की सरकार आएगी ये मैं दावे से कह रहा हूँ, फिर वापस घूमेंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि दावे में आने की जरूरत नहीं है। SSP Global Jobs, the first job consultancy of Haryana. रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूँ, अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूँ और आप सब लोगों की मेहनत को झुक के राम राम करता हूँ। हमारे इस चुनावी सभा में संत शिरोमणि महामंडलेश्वर आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले आदरणीय महाराज धर्मदेव जी और मेरे को सदा आशीर्वाद 2014 से लगातार जिनका इस राजनीतिक जीवन में मिल रहा है, जिनका दक्षिणी हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में राजनीति में एक ध्रुव तारा की तरह स्थापित है। 50 साल से ऐसे मेरे आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री, हमारे जिला के अध्यक्ष, मेरी छोटी बहन वंदना पोपली जी, आदरणीय दिनेश राजपाल जी, हमारे इस पंजाबी समाज को एक धागे में पिरोने वाले भाई सचिन मलिक जी और बहन पूनम जी, भाई मनीष चिराया जी, बहन पूनम सतीजा जी और हमारे श्याम सुंदर चुप जी और सभी समाज के सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, आज तो मैं आप सब लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने आया हूं और दो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है, एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक राजनीतिक शक्ति है। जब दो दो शक्तियां भी आशीर्वाद दे रहे हो तो कोई कमी है क्या? साथ में आप सब लोग हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपके बीच में कहूंगा, हमारे स्थानीय विधायक उनके पिताश्री निरंतर लगातार आपकी दी हुई शक्ति को अपने निजी हितों में इस्तेमाल किया है, निजी हितों में इस्तेमाल किया है। चाहे नहरों का पानी हो तो नहर भी अपने खेत तक, सड़क की बात हो तो उसके रिश्तेदार के, वो आजकल जो एक्सीडेंटल बाईपास बना है, और नौकरियां भी अपने दामाद को, अपने भतीजे को, अपनी बुआ को, अपने फूफे को, अपने साले को और बाकी सबको दी तो पर्ची और खर्ची से देने का काम किया है और इंस्टीट्यूशन भी अपने ही खो गए। मैं पिछले दिनों, क्योंकि राव साहब हमने जब जमीन इक्वायर आप सबके आशीर्वाद से हुई एम्स की, तो आपने उन किसानों को विस्थापित नहीं होने देकर दिया बल्कि स्थापित होने दिया। तो इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधि मजबूत थे इसलिए आज वो बसे रहेंगे। मैं मीरपुर में गया था 3 दिन पहले, एक भव्य कार्यक्रम में लोगों का एक जूम सा भाव उमड़ रहा था, तो उन्होंने कहा तक हमने 100 एकड़ जमीन दी लेकिन हमारा कोई चपरासी भी नहीं लगा। तो मैंने कहा था उस समय का नेतृत्व तो कमजोर था तो ये फर्क समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरा कहने का भाव ये है तक आपकी दी हुई ताकत उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करी, लेकिन मैं वादा दे के जाता हूँ एक आध्यात्मिक शक्ति एक राजनीतिक शक्ति के बीच में और आप सबके बीच में, अगर आपकी दी हुई ताकत कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाऊंगा, इस क्षेत्र की भलाई के लिए लगाऊंगा। और आपने देखा सुनने तो आप राव साहब को आदरणीय धर्मदेव जी को सुनने आए हैं, लेकिन मैंने सोचा बीच में मैं भी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं, क्योंकि आपने देखा अगर जो 50 साल बाद भी वो कहते हैं विकास नहीं हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई विकास नहीं हुआ तो इसका कौन दोषी है? आपको 3-3 पीढ़ियां दे गई इस रेवाड़ी को ने
खूब आशीर्वाद दिया, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है जान की भी, कौन सी चट्टी काटा खाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, और फिर आपने तो देखा ही है, भुगता भी है, और चारों तरफ समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है। जब मैं गांव गांव जाता हूं तो लोग शिकायत इस तरह की करते हैं, क्योंकि विधायक ज्यादा विकास करा सकता है इसलिए उस पर फोकस रहता है, क्योंकि प्रदेश की सारी ताकतें विधायक के साथ लगी रहती हैं बहुत सारे, क्योंकि केंद्र तो बजट भेजता है लेकिन इंप्लीमेंट करना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ में ये आग्रह करने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख में इस रेवाड़ी का सुखद परिवर्तन विधायक घटना हुई है, 75 साल के वृद्ध को भी इन्होंने पीटने का काम किया, कितनी दुख भरी बात है। तो इसलिए इनका इलाज भी समय पे करना पड़ेगा, इनका इलाज एक ही है, ये जितने ही धुरंधर हो आप तो कमल का बटन दबा देना फिर बड़े बड़े धराशायी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आज ये आपकी शक्ति के ऊपर कूद रहा था लेकिन आज लोगों का परिवर्तन का मन बन चुका है, और राजा मैं किसी सभा में गीत गा रहा था, एक भजन गा दिया करती, तो कहने लगे ये तो भजन गा। सीएसपी ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। विजय राव हमारे भूतपूर्व चेयरमैन है, जाने वाले थे नहीं जाने वाले थे, मैंने फिलहाल तो रोक दिया। और उन्होंने लक्ष्मण का साथ देने के लिए भी वायदा किया, मेरे घर की उतराई कर वायदे के पक्की। आज स्वामी जी हमारे बीच के अंदर आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए कि आज के दिन हमारी पार्टी के लिए सहयोग के लिए आज रेवाड़ी में उपस्थित हुए हैं। लेकिन आज से 3 महीना पहले जब लोकसभा का चुनाव था उस टाइम दो जगह गुड़गावा के अंदर भी और यहाँ रेवाड़ी के अंदर भी स्वामी जी ने आकर के मेरे लिए वोट मांगे, मेरे को इनका धन्यवाद करने का मौका पहले नहीं मिला था। तो आज आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी स्वामी जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आपने समर्थन दिया और आज लक्ष्मण के लिए आज सभी के बीच के अंदर उपस्थित हुए हैं। लक्ष्मण सिंह जी अपने भाषण के अंदर सभी कुछ कह गए, मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई वोट अपने लिए मांग नहीं सकता जिस तरह से इन्होंने अपनी वोट मांगी है। हमारे प्रत्याशी हैं और आप लोगों से उम्मीद रखे हुए हैं। हमारे सचिन मलिक साहब पहली बार मैंने देखा इसको जोश भरे हुए हैं, ये सचिन काम करते हैं, मशीन है, दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि दिल से भी काम लेने लगे। आज आपने चिन्ह कर दिया सचिन जी कि जो पब्लिक ने आपको चुन करके पंजाबी बिरादरी का प्रधान बनाया है वो वास्तव के अंदर दिमाग और दिल दोनों को मिला करके आपके अंदर जो काबिलियत है उसको परख करके आपको इस पंजाबी समाज का प्रधान बनाया है। मनीष जी चुनाया, शायद ही कोई ऐसा पार्षद होगा रेवाड़ी के अंदर जो 4 या 5 बार जो जीते होंगे, एक आध बार तो अगर भीम भुक्कड़ी खाएंगे तो घुड़सवार कैसे बनेंगे, एक आध बार तो खाएंगे पक्का सवार फिर उसके बाद बन जाते हैं। शाम जी चौक भाई भले आदमी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन है और आप सभी के लिए काम करने के लिए ये सब कार्यरत रहे हैं। और मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता था, बीच के अंदर भूल गया, वंदना पोपली की, आप ही के समाज की है और मैं समझता हूँ कि पिछले 4 महीने से जब से ये कार्यरत है न केवल पंजाबी समाज को इन्होंने संवारा है बल्कि हमारी पार्टी को तीनों हलकों के अंदर कोसली रेवाड़ी और बावल के अंदर संवारा है और इनका नेक नियति का फायदा मैं समझता हूँ कि हमारे को सबको मिलने वाला है जब 8 तारीख को फैसले होंगे। गणेश राजपाल जी, श्रीमान श्री जगलाल जी, श्रीमान कृपाल सिंह जी, अशोक अनेजा जी, पूनम सतीजा जी, पूनम यादव हमारे चेयरमैन साहब, नाम बाद में लिया लेकिन फिर से कम नहीं है। इसी तरह से विनीता पोपली जी पूर्व चेयरमैन कहाँ बैठी है, वो बैठी है।
आपने भी बहुत काम किया इस इलाके के लिए और आज के दिन मेरी बेटी के लिए ये दिन रात एक कर रही है, अटेली के अंदर कर रही है और इनके 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 आज भी नरेंद्र जी के साथ उनके जा रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी काउंसलर साहिबान पंजाबी तो है ही है लेकिन अनेक बिरादरी के और भी साहिबान सचिन मलिक जी जो बुलाए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिलकर के मेरे साथ हमारे प्रत्याशी इसको यादव साहब को जुटाने का प्रयास करने लग रहे हैं। सभी RWA के सदस्यगण, सभी ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यगण, इलाके की आई हुई सरदारी बुजुर्गो माता बहनों नौजवानों और दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे को आप लोगों ने जिताया सन 19 के अंदर जिताया, सन 24 के अंदर जिताया, और शहर वालों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देहात ने कम वोट डाले हैं और मेरे को शहर की तरफ से ज्यादा वोट मिले हैं। इसको तो बुरा नहीं मानना चाहिए तो देहात का यहाँ पार्टी बैठा हुआ है, हुआ वास्तविक है। और इस इलाके के सबसे प्रसिद्ध शहर कह सकता हूं मैं रेवाड़ी के रहने वालों, आज आप पंजाबी बाहर के नहीं है, आपको हमने अपनाया है, हमने अपने आपके बसाया है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने मेरा सब ने मिलकर के जो साथ रेवाड़ी वालों ने दिया है उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं मोटे मोटे तौर के ऊपर लंबा जोड़ा भाषण नहीं देना चाहता, स्वामी जी का आप सब सुनने आए हैं, कहते हैं 10 बजे इनकी कटौती के अंदर भी सभा है तो आधा घंटा तो इनको पहुंचने में लग जाएगा और आधा घंटा इनको भाषण देने में लग जाएगा, इसलिए मैं अपना भाषण जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। SSP ग्लोबल जॉब्स, द फर्स्ट जॉब कंसल्टेंसी ऑफ हरियाणा, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। समुद्र मंथन होता है तो उसमें अमृत तो निकलता है। आइए मेरे प्यारे सज्जनों, हमारा प्यारा प्यारा ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी, स्वामी धर्मदेव ने एक बार नहीं कई बार कहा कि रेत की नगर महाराजा रेवत की नगरी है और इस बात को जिंदगी में हम कभी भूल नहीं सकते। ऐतिहासिक ये दास्तान मेरे इस हिंदुस्तान के प्यारे से शहर की है, यदुकुल भूषण, यदुकुल नंदन, भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भैया बलभद्र, बलराम जी, उनकी ये ससुराल है। ऐसा प्यारा सा ये रेत की नगर रेवाड़ी आज उसके अंदर एक अपने आप में ऐतिहासिक सभा के रूप में एक चुनावी सभा यहां पर आयोजित है और आज की सभा की श्रृंखला आप लोगों के सब लोगों के दिलों की धड़कन को हूं, जिनका पल पल क्षण क्षण इस क्षेत्र को समर्पित है, हरियाणा प्रदेश को अर्पित है और मेरे देश के सम्मान और गौरव गाथा को बढ़ाने के लिए न्यौछावर है। एक श्रेष्ठ उन्नत कुल वंश परंपराओं में आपके जीवन को गिना जाता है। आज मैंने पटौदी में भी इस बात को याद किया, वो दिव्य आत्मा, वो शहीद जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया था, लहू दिया था, खून दिया था, जीवन दिया था, राव तुलाराम जी, जिनके दिन को आप भी बड़े भाव से मनाते हैं रेवाड़ी वासी, हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री राव वीरेंद्र सिंह जी को आज मैंने पटौदी में याद किया कि मेरे परम गुरुदेव जिनको पश्चिमी पंजाब से आए हुए लोग एक दूसरे ईश्वर के रूप में देखा करते हैं, मियांवाली, डेरा इस्माइल खान, फ्रंटियर, पेशावर, मुल्तान, पश्चिमी पंजाब का वो भूभाग, विभाजन से पहले जिन्होंने जहां पर एक वैदिक सनातन धर्म की लहर चलाई थी, उसका परचम लहराया था, डंका बजाया था, ऐसे मेरे आराध्य पूज्य श्री स्वामी अमरदेव जी, जिनको राव वीरेंद्र सिंह जी हमेशा अपना गुरु कहते थे कि मेरे अगर कोई गुरु है, राव वीरेंद्र सिंह जी कहा करते थे, जिनको मैं 20 साल तक सुनता रहा कि स्वामी अमरदेव जी मेरे गुरु,
और मेरे गुरुदेव स्वामी अमरदेव जी के शिष्य स्वामी कृष्णदेव जी मंच पर आते गले लग जाते, कहते ये मेरे गुरु भाई हैं। ऐसा एक पुराना नाता जिस परिवार से है, जिस परिवार को मैं भी पिछले 47-46 वर्षों से देख रहा हूं, ऐसे उसी कुल के उस परिवार के कुलभूषण जिनको आज मैंने खटोने के लिए कहा, यद कुल नंदन तो है और इस यादव वंश परंपरा के इस मानसरोवर के प्यारे से आप राजहंस हैं श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह। आपकी गरिमा में उपस्थिति यहां पर एक एक व्यक्तित्व यहां पर अपनी अपनी आभा को लिए हुए, और जो आप इनके साथ साथ आकर्षण का केंद्र एक धुरी के रूप में जिनके लिए राव साहब भी आए, आप भी आए, सारा ये सभ्य समाज यहां उपस्थित है, प्रिय श्री लक्ष्मण यादव जी जो कि एक प्रत्याशी के रूप में इस रेवाड़ी से हैं, आपकी उपस्थिति होना बहुत स्वाभाविक था। आप हैं वंदना पोपली जिला अध्यक्ष हैं, अब दोनों उधर जय सतीजा है जय यादव है पूनम, आपकी उपस्थिति विदेशी है, और एक एक व्यक्ति बाकी हां राय के साथ साथ जो इस पंजाबी सभा ये पंजाबी समाज रेवाड़ी में इसके वर्तमान जुझारू अध्यक्ष राव साहब ने ठीक कहा, ये दिमाग से और दिल से दोनों से काम लेते हैं, ये तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित एक जज्बा जीवन में लेकर के चलने वाला ये इंसान, अपने आप को निरक्षर करने वाला समाज के लिए नौजवान श्रीमान श्री सचिन मलिक, आपके आह्वान पर ये सारा समाज यहां पर पहुंचा है। देखो गाल ये सारा प्यारा मुल्तानिया का पंजाबिया का समाज सचिन ने ही डालते गुआसा ठीक है सचिन जो भी आके ना दिल रहे। अब 5-6 मिनट आपसे चर्चा कर लेता हूं और 5-6 मिनट में निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा सुधी और सभ्य समाज यहां पर है मेरे प्यारे स्वामी धर्मदेव। पिछले केवल 3 दिन में 20 से लेकर के 22 में विधानसभा में होके आया, रोजाना आपको 2-2 बजे आना हो रहा है वो ठीक है, किसी बीच में 29 तारीख को आज से 3 दिन पहले मैं अलीगढ़ में गया, वहां एक बहुत बड़ा सम्मेलन था उसमें भी जाने का अवसर मिला, वो भी मेरे बहुत प्रिय है मेरे बहुत आदरणीय है जिनको मैं गर्व करता हूं। मैंने पुकार पुकार के इस बात को कहा भारत देश का यशस्वी प्रधानमंत्री दो ऐसे देवदूत मेरे भारत देश को प्राप्त है, एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली में सिंह की तरह सिंहासन पर बैठे हैं श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, या फिर पड़ोस का प्रदेश है उत्तर प्रदेश वहां बैठे हैं आदित्यनाथ योगी, ये मोदी और योगी वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने 20 साल पहले एक विश्व हिंदू महासंघ उसकी स्थापना की थी। मैं परसों 29 तारीख को उस कार्यक्रम में चला गया, विशाल कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम अलीगढ़ में, वो भी अलीगढ़ में, आप समझते हैं हम किस तरह का समाज हो सकता है आसपास में। लेकिन महा स्वामी धर्मदेव जब अपनी बात की रचना करता है, मैंने कहा वहां पर 100 संत मंच पर थे, विशाल सम्मेलन था अलीगढ़ में, मैंने कहा अलीगढ़ वासियों उत्तर प्रदेश वासियों उत्तर प्रदेश के लोगों, वहां पर कहा मैंने 29 तारीख को कि आप लोगों से भी एक चूक हुई है, चूक एक भूल हुई गलती हुई, क्योंकि कई बार जीवन में गलती हो जाती है, गलती को सुधारना होता है, और बल्कि मैं इस बात को पूरा करूं उससे पहले फिर एक बात और याद करना चाहता हूं। 2013 में भारत वर्ष के कोने कोने में स्वामी धर्मदेव गया और 14 में शायद भारत का कोई कोना छोड़ा होगा, मई जून आते आते उससे पहले भारत के कोने कोने में जाकर के इस स्वामी धर्मदेव ने आपके सामने खड़ा है, 10 साल पहले भारत के कोने कोने में जाकर के मैंने कहा था भारत के लोगों 1947 में देश का विभाजन तो हुआ, पश्चिमी पंजाब की कट के भुजा इससे अलग हुई, पाकिस्तान बना उससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत का कोई हो नहीं सकता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान और बलिदान कोई देने वाला था
तो ये पंजाबी समाज।